नमस्कार जोहार रवरेमन के स्वागत है डिस्क्लोजिंग 13 नागपुरी चैनल में। टेक्नोलॉजी मनुष्य जाति के जीवन में इतना महत्वपूर्ण हो जाए जो कि मनुष्य जाति अंदाज भी कर नहीं सके। मान ले आजकल का जो रोजमर्रा का जिंदगी है जगह में हमको जरूरत का सामान जैसे कि मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर इसी तरह का बहुत सारा टेक्नोलॉजी है जो टेक्नोलॉजी का एक रूप है के ये टेक्नोलॉजी का माध्यम से ही मनुष्य जीवन कर कठिन से कठिन काम है। मनुष्य जाति का सबसे ग्रेटेस्ट आविष्कार है के इंटरनेट। ये इंटरनेट के माध्यम से ही हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही सरल हो जा है। इसे टेक्नोलॉजी और इंटरनेट एक से मिश्रण इतना महत्वपूर्ण हो जा है जबकि एखन स्कूल कॉलेज और बहुत सारा इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट मन के छात्र मन के या युवा मन के टेक्नोलॉजी का ज्ञान देवल जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी ही है के जेकर माध्यम से हमें बहुत दूर का जिनिस के बहुत ही कार्य थे पाए वीडियो कॉल कर माध्यम से। और ये जे टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का जो मिश्रण ये मिश्रण के द्वारा ही अपन जिस जरूरत के हिसाब से नया नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होते जाते। ये पूर्वज में भी होते रहे जखन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होते रहे और फ्यूचर में भी इसी तरह का नया नया टेक्नोलॉजी हो। तो ये टेक्नोलॉजी के इतना महत्वपूर्ण हो जाए हमारे जीवन में। तो मैं ये टेक्नोलॉजी का वजह से ही मैं आज ये टेक्नोलॉजी इंटरनेट और सोशल मीडिया एक वीडियो में सबके सामने आने की जात हूँ। ये इंटरनेट के हम जल्दी भाषा में हमारे दैनदिन जीवन में सिंबल है। हमने इंटरनेट के हमें नेट का नाम से जाने ला। और ये इंटरनेट का फुल फॉर्म होते हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। और ये इंटरनेट पूरा वर्ल्ड वाइड में कंप्यूटर का एक नेटवर्क है कि और इसे इंटरनेट एक जो ये वर्ल्ड का जो पहला शुरुआत है आज से करीबन बहुत साल पहले 1849 में। और इस इंटरनेट का फाउंडर रहे बॉब काहन 1938 में और फिनकॉर्प 1943 में। ये इंटरनेट का फाउंडर रहे और ये इंटरकनेक्टेड जो वर्क है ये वर्क के 1974 में एक शॉर्टकट इंटरनेट नाम दे गला। और ये इंटरनेट हमारे पूरा जगत में फैल गला। मनुष्य जाति का और एक तो महत्वपूर्ण आविष्कार है कि सोशल मीडिया। इस सोशल मीडिया के माध्यम में हम इन अर्थोनी सबके अपन जे कंटेंट जे क्रिएट करते सके हमें शेयर कर सकती। और अपन जे इंफॉर्मेशन जे हमें है से कि हमें एक दूसरे के तरफ एक्सचेंज कर सकती। और इसी तरह से बहुत सारा सोशल मीडिया जे प्लेटफॉर्म है ओकर सृष्टि होल जैसे कि मान लें व्हाट्सअप जेकर माध्यम से हमें वीडियो कॉलिंग कर सकती। इसी तरह से और फेसबुक हो गल। इसी तरह से इंस्टाग्राम जे कि हमारे इंडिया में एक बहुत फेमस है जेकर में बहुत सारा युवा ओकरे में डूबल है इंस्टाग्राम में। इसी तरह हो गल यूट्यूब जे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म जे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। वह यूट्यूब प्लेटफॉर्म में ही मैं सबका से जुड़ा रहा हूँ। सोशल मीडिया का है कि आजकल गुरुत्व का है हमारे जिंदगी में। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जेकर माध्यम से हम अपन जे पुराना जमाना में चिट्ठी भेजते रहे चिट्ठी भेज के वहाँ से हमने एक चिट्ठी लिख के भेजते रहे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वो जाते रहे। और कितना दिन बाद में हमने एक दूसरे से अपन जो वार्तालाप एक दूसरे का जो बात है सके हमें आदान प्रदान रह सकते रहे। लेकिन ये सोशल मीडिया का चलते हमें अपन जे एक दूसरे के साथ में कॉन्वर्सेशन कर सकते। और अपन जे क्रिएट जे अपन जो कंटेंट क्रिएट करते से कि हमें वेब नेट पे छोड़ सकते। इसी तरह से बहुत सारा ब्लॉग कर सकते माइक्रो ब्लॉग कर सकते। इसी तरह से बहुत सारा ऐसा जिनिस बहुत सारा जिनिस है जो कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ही कर सकते। 2020 का डाटा के अनुसार हमारे भारत देश में जितना पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन का 43% इंटरनेट का यूजर रहा है। और इसी तरह से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में 25% एक्टिव इंटरनेट यूजर्स है। और हमारे पड़ोसी देश चीन में एक्टिव यूजर का संख्या है 75%। और इसी तरह से हम पूरा वर्ल्ड में जो सोशल मीडिया का जो यूजर्स रहे अकाउंट होल्डर रहे उसका संख्या रहे 4.25 बिलियन। और ये जो नंबर है सोशल मीडिया इस्तेमाल कर यूजर्स का संख्या हुई 2027 में 6 बिलियन हो जाए
6 बिलियन हो जाए। और हमारे जो देश है, हमारे देश में 2023 में 2023 में 692 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हो जाए। और इसे संख्या है को पूरा टोटल पॉपुलेशन को 48.7% इंटरनेट यूजर्स का संख्या हो जाए 2023 में हमारे देश का जनसंख्या का हिसाब से। और इंटरनेट यूजर का संख्या इतना ज़्यादा, सोशल मीडिया का अच्छाई के साथ साथ में एक बुराई भी आ है। ईगो बहुत ही आसान तरीका से हमारे ब्रेन के अफेक्ट करते हैं। हमें घंटों तक ऑनलाइन रहते रहते ऑनलाइन रह रहे कि हमें अपन जो मेमोरी पावर मेमोरेज पावर के हम नष्ट से लॉस करो थे। और हमारे डेली लाइफ के ईगो पूरा अफेक्ट करो थे। और इसी तरह से हमारे दैनिक जीवन का जो दिनचर्या से कि ईगो बिगाड़ते जाते। और जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इकर में हमने का जब परफॉर्मेंस बहुत ही ढीला रहा और बहुत ही कमजोर हो जाते। इसी तरह से हमारे ब्रेन के बहुत ही अफेक्ट कर रहे थे सोशल मीडिया। और इकर में अधिक खुशी के कारण में और जो सोशल मीडिया बहुत सारा जो प्रोहिबिटेड जो कंटेंट है वो कंटेंट के भी देख के समाज में उसका जो कुप्रभाव भी बहुत बहुत तेज़ी से बढ़ा थे। सोशल मीडिया सिर्फ वरदान नहीं ला एक जगह जगह में अभिशाप कर भी काम कर रहे थे। और कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे के तरीका के हमने के बहुत अच्छे से जाने पड़ी। सोशल मीडिया का माध्यम से बिजनेस कर जाते प्रचार कर जाते बहुत सारा चीज कर जाते। लेकिन हमारे युवा एक गलत काम करने भी इस्तेमाल कर रहे थे। इधर से हमने के बहुत बाजिक पड़ी ये दुनिया ये वर्ल्ड का समाज में युवा मन कर भित्र। और जो नशा है उसी तरह का नशा का नियर ये भी सोशल मीडिया का नशा है। सोशल मीडिया लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर पीछे हमारे युवा पागल हो जाए कैसे। और ये जे इतना एडिक्ट हो जाए जे कि ओके घंटे तक एक में डूबल ही रहा थे। और ये जे सोशल मीडिया हमारे ब्रेन में डोपामिन के जे क्रिएशन है से के पढ़ाए दिल ये चलते हमें घंटों तक एक में बीता है ये कैसे कहते हमने के ये सबसे भी बाचे खाए रजे। और लिमिटेड हमने सोशल मीडिया का यूज करे खाए। ये नहीं कि जे सोशल मीडिया में ढक लो और अपन घर द्वार का जितना काम सबके छोड़ लो। बहुत ही मॉडर्न और ईद हमारे मनुष्य जाति के ग्रेटेस्ट क्रिएशन है कि ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सर्विस और सपोर्टिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर के यूज करके बहुत सारा काम क्या मैनेज कर रहे थे। और जब मैसेज का सेंड कर रहे थे वॉइस के माध्यम से डाटा के माध्यम से वीडियो के माध्यम से सबका सामने पहुँचाते। और एकदम बहुत सारा कनेक्शन बढ़ाते इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो प्लेटफॉर्म बना जा सकर में हम मनी अर्न कर सकती है। अपन स्किल के हमें डेवलप कर सकती है। अपन जो स्किल है हम मॉडर्नाइज कर सकती। इसी तरह से हमें बहुत सारा काम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकती। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो पर्पोज है जो उद्देश्य है कि जो कोई भी काम के बहुत ही एफिशिएंसी से यानी कि दक्षता सर सब एकदम निखुत बहुत ही निखुत एफिशिएंसी से करें। लेकिन और जो अपना गोल है जैसे कि बहुत ही आराम से और एक ठो भी नहीं बिना गलती के साथ में करें माध्यम है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये हमारे भारत देश इंडिया में कर्नाटक स्टेट जो कि वो स्टेट में हमारे जो इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लीडर के रूप में आए। और हमारे देश 2021 में डाटा के अनुसार से 149.1 बिलियन डॉलर $ आईटी इंडस्ट्री के द्वारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक्सपोर्ट कर रहे। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही है कि जो दे पर्सनल और कमर्शियल सभी जगह में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल पालन करे के लाए। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण ही नए नए इनोवेशन हमारे सामने देखे थे। और ये इनोवेशन अगर नहीं हुई अलग कोई कंपनी सर्वाइव कर नहीं पा रही। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जे ये वेब है के फ्यूचर का। इसी तरह से टेक्नोलॉजी हमारे ज़िंदगी में बहुत ही सफल प्रभाव फैलते जाते। ये सोशल नेटवर्किंग साइट से ही बहुत सारा बिजनेस ओनर मन
न्यू न्यू टैलेंट के साथ करे पा रहे थे और नया नया जी कंपनी के साथ में इंगेज हो सकते थे। इसी तरह अगर प्लेटफॉर्म है कि वो लिंक्डइन के माध्यम से बहुत सारे नया टैलेंट कर खोज पावा थे बहुत सारा बिजनेस ओनर मन। और आज से करीबन कुछ साल पहले तक जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होते रहे बिजनेसमैन के बहुत सारा पैसा पे करे पड़ा था, लेकिन एखन जो सोशल साइट्स बना है यूट्यूब फेसबुक और बहुत सारे सोशल साइट्स बना है से उनका माध्यम से बहुत ही लो कॉस्ट बहुत ही कम खर्चा में अपन जो एडवर्टाइजमेंट के करे सकते थे कंपनी मन और बहुत ही सेव होते मनी। इस तरह से साइट बहुत सारा आदमी के लेकिन एकदम वरदान साबित हो जाए और एकदम बहुत ही इजी वे मिल जाए आदमी के सामने पहुँचे के लिए। आज से करीबन कुछ साल पहले तक जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होते रहे बिजनेसमैन के बहुत सारा पैसा पे करे पड़ा था, लेकिन एखन जो सोशल साइट्स बना है यूट्यूब फेसबुक और बहुत सारे सोशल साइट्स बना है से उनका माध्यम से बहुत ही लो कॉस्ट बहुत ही कम खर्चा में अपन जो एडवर्टाइजमेंट के करे सकते थे कंपनी मन और बहुत ही सेव होते मनी। इस तरह से साइट बहुत सारा आदमी के लेकिन एकदम वरदान साबित हो जाए और एकदम बहुत ही इजी वे मिल जाए आदमी के सामने पहुँचे के लिए। ई डिजिटल क्रांति के युग में बहुत सारा साइबर क्राइम भी बढ़ते साथ है और इसे टेक्नोलॉजी डिजिटल युग में बहुत सारा क्राइम जो कि हमार आँख में नज़र नहीं आ लेकिन इंफॉर्मेशन के माध्यम से OTP के माध्यम से मैसेज के माध्यम से एकदम आदमी के जेब के खाली कर देते अकाउंट के खाली कर देते। तो एक से भी हमने के सावधान रहे खाए और हमारे जो युवा मन है बहुत सारा युवा मन जो कि इंटरनेट के इस्तेमाल कुछ अच्छा जगह में नहीं करके गलत काम जैसे कि बहुत सारा जे नहीं देखे चाहिए वो सब कंटेंट मन के देखे में ही अपन टाइम के वेस्ट करते और बहुत सारा बीमारी का शिकार होते। इस सबसे भी हमारे युवा समाज के अवेयर हो खाए और सबके अवेयर करे खाए। टेक्नोलॉजी रिलेटेड जे मैं छोटा सा प्रयास है कि सबके के अवेयर कर कि मैं कोई ये विराम दे दो और ये भी कह चाहता हूँ कि मोर चैनल के अच्छा से सब्सक्राइब करवा सबके सामने शेयर करवा और मुझे बहुत अच्छा लगी और मोर इस चैनल में ही चाय बागान से रिलेटेड एक तो वीडियो प्लेलिस्ट में पाए जावा और जे अल्कोहल कंजम्पशन करन जे हमारे युवा अल्कोहल कंजम्पशन का से कर संबंधित भी एक और वीडियो है सबके वहाँ जाके देख सकाला। और मैं अपन वक्तव्य के शेष करता धन्यवाद।